बोलता है इसके दो बच्चे मैंने मार दिए। अस्तग़फ़िरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज होती है ये इनके खाने की चीज होती है। वेलकम टू द भूत शो और द भूत शो की एक और खतरनाक स्टोरी के साथ मैं हूं आशी और हमारे साथ हमारे मौजूद है स्टोरी टेलर डॉक्टर काशिफ। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तब ठीक है आप? जरूर। पहले दफा मिल रहे हैं, मतलब आज के दिन में। सर क्या सुनाएंगे? सर सर राम भैरवी माइक दो या बगैर माइक के? बगैर। ओके स्टार्ट करें। एक किस्सा किसी ने शेयर किया था मेरे साथ, मुझे बहुत अच्छा लगा तो सोचा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। एक बंदा था, शादीशुदा था, बच्चे थे, उसको एक आदत हुआ करती थी। वो उसको कोई पसंद आ जाता था तो किसी ना किसी तरीके से वो उसे फंसा लेता था, मतलब लड़की की बात। हाँ ओके। और दोस्ती कर देता था और फिर जो होता है। एक लड़की थी, उसके घर में उसकी दो बहनें और थी और उसके दो भाई थे। माँ बाप का इंतकाल हो चुका था। अब उस लड़की के साथ क्या था वो किसी को नहीं पता था। इस बंदे का दिल आ गया उस लड़की का और इसने जो है वो उसके साथ दोस्ती करना चाहिए। उस लड़की ने इनकार किया कि मैं इस तरह की नहीं हूँ, मैं ऐसा कोई रिलेशन नहीं रख सकती। बहरहाल ये पीछे हट गया लेकिन इसने अपनी अना का मसला बना लिया। ओके। इसने कहा नहीं यार ये तो ऐसा होना नहीं चाहिए। इसने बार बार कोशिशें की, लड़की ने मना किया। फिर ये आमिल के पास गए, जिस तरह वो काला जादू करते हैं ना, उसको बोला कि यार ये लड़की है और मुझे इस पे तावीज करवाना है। हाँ वो जो आजकल वो बसों में पोस्टर भी बांट रहे होते हैं ना कि बंगाल का मशहूर जादू लड़की को अपना बना ले। हाँ तो इसने क्या किया कि आमिल से बात की, आमिल ने पैसे वैसे लिए और इसको कोई काला जादू वादू करके दे दिया। बहरहाल अच्छा इत्तेफाक की बात, लड़की पे उस जादू का ऐसा सच कोई खास असर नहीं हुआ क्योंकि लड़की के साथ कुछ और चीजें भी थी। ये परेशान हुआ, इसने बोला मुझे समझ में नहीं आ रहा चक्कर क्या है। लेकिन इसकी बातचीत स्टार्ट हो गई लड़की के साथ। अब क्या हुआ कि बातचीत स्टार्ट हुई तो मिलना जुलना भी स्टार्ट हुआ। इसने धोखे के साथ उस लड़की को अपने घर बुला लिया, मतलब जहां कोई नहीं होगा, और इसने उसके साथ कुछ गलत हरकत करने की कोशिश की। हुआ ये कि लड़की ने वहां पर जज्बात में आके अपनी इज्जत बचाने के लिए सुसाइड कर लिया। सुसाइड करने के बाद जब इसने देखा ये लड़की तो मर गई, इसने क्या किया, इसकी लाश को बोरी में डाला और जाके एक जगह पे दफना दिया। अब लड़की के भाई और रिश्तेदार ढूंढने में पूरे, लड़की का है, अब लड़की तो मर चुकी है। इतने अरसे में एक छोटा बच्चा इसके घर पे आता है, नॉक करता है, मतलब उस लड़के के घर पे। हाँ जिसकी वजह से लड़की मरी, उस बंदे के घर पे आके नॉक करता है। इसके अपने बच्चे भी होते हैं तो इसका बच्चा खोलता है दरवाजा तो बोलता है कि मैं तुम्हारे मोहल्ले में मूव हुआ हूँ, सामने सामने हमारा घर है और मैं यहाँ किसी को नहीं जानता तो तुम मुझसे दोस्ती करोगे? तो बच्चे होते हैं आपस में खेलने लग जाते हैं।
इस तरह से उस बंदे के चार बच्चे होते हैं, वो चारों इसके साथ खेलते हैं, ये उनके साथ दोस्ती में आ जाता है। हफ्ते के बाद एक बच्चा गायब हो जाता है। ये ढूंढता है ढूंढता है ढूंढता है, इसको बच्चा नहीं मिलता। पुलिस में रिपोर्ट करवाता है, हर जगह रिश्तेदारों में तलाशी गुमशुदा, बच्चा इनको नहीं मिलता। अब इसके जो तीन बच्चे हैं वो डर के मारे घर से वो छोड़ता नहीं बाहर। और वो जो बच्चा है वो रोज आता है बजाता है, कोई बच्चा बाहर नहीं आता है, वापस चला जाता है। फिर उसकी माँ बोलती है यार बेटा आप काम करो, आप अंदर ही आके बच्चों के साथ खेल लिया करो ना। ये क्या करता है, क्या कहता है ठीक है। ये दिन के वक्त आता है 12-1 बजे के करीब और उन बच्चों के साथ खेलता मिलता है, खेल वेल के अपना चला जाता है। 2-3 हफ्ते के बाद उस बंदे का एक और बच्चा गायब हो जाता है। अब ये दोनों परेशान मियां बीवी कि हो क्या है, मतलब एक बच्चा गया फिर दूसरा बच्चा गया, रिपोर्ट करवाई, बच्चे घर से कैसे गायब हो गए, घर से कहाँ गए बच्चे। ये बेजारी में इधर उधर भागता है तो ये जाता है उसी आमिल के पास जिससे इसने काला जादू करवाया। ओके, उसे कहता है यार वो मेरे बच्चे गायब हो गए दो, तो क्या तुम मालूम करवा सकते हो कि मेरे बच्चे कहाँ गायब हुए। तो वो जो आमिल होता है वो देखता है, अपना हिसाब हिसाब लगाता है, बोला तुम्हारे बच्चे गायब नहीं हुए, तुम्हारे बच्चे मर गए। तो ये रोना पीटना शुरू कर देता है, कैसे क्या हुआ, किसने मारा। बोला कोई चीज है जो तुम्हारे घर पर आती है जो तुम्हारे बच्चों के साथ होती है, वो बारी बारी करके तुम्हारे बच्चे मार रही है, अब तुम्हारे जो दो बच्चे हैं उनको भी मार देगी। ये घर पे भागता है, अपनी बीवी से डिस्कस करता है कि ऐसी कौन सी चीज है यार हमें नजर नहीं आती। तो उसकी बीवी कहती है ऐसा तो कोई भी नहीं है और ना ही कोई ऐसा बंदा आता जाता है, ना हमने कभी कोई ऐसी चीज नोट की है। कहता नहीं कुछ तो गड़बड़ है, कहीं पर तो है। तो ये भी बात ही कर रहे थे तो दोबारा दरवाज़ा बजता है, ये रोने पीटने में होते हैं तो ये बंदा खुद आता है, दरवाज़ा खोलता है तो वो बच्चा खड़ा होता है, बोलता है मुझे खेलना है। वो ये इसको झाड़ देता है, जाओ जाओ कोई नहीं है, तो किसी से नहीं खेलना। तो ना वो जिद करता है कि अंकल मुझे खेलना है, जब मैंने बोल दिया खेलना है तो खेलना है। अब उसकी वो जिद करना ना उस बंदे को थोड़ा सा अजीब लगता है। वो बोलता है बेटा आप किस घर में रहते हो, पूछता है, बोलता है हम सामने वहां पे शिफ्ट हुए। आप बड़े होते हैं ना, उनको तो पता होता है कौन मूव हुआ है कौन नहीं हुआ। वो हम सामने उस घर में शिफ्ट हुआ। बोला अच्छा ठीक है, चलो मैं आपको घर छोड़ के आता हूँ। बोलता है नहीं नहीं मैं चला जाऊंगा, आप छोड़े मैं चला जाऊंगा, ये कह के निकल जाता है। अच्छा इस बंदे को शक हो जाता है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ है, लेकिन उसको ये अंदाजा नहीं होता कि असल में सीन चल क्या है। ये वापस अंदर चला जाता है, वो बच्चा भाग जाता है। रात को कोई 1:30 बजे दोबारा दरवाजा बजता है, 1:30-2 बजे ये आता है नींद से उठ के दरवाजा खोलता है। क्या हुआ, वो बच्चा खड़ा होता है, मुझे खेलना है बच्चों से। बोलता ठीक है आ जाओ, तो खेलो आके। इनके घर का माहौल ऐसा होता है टेंस, दो बच्चे गायब, ये आता है उसको अंदर लेके। इत्तफाक से जब इसको ये अंदर लेकर आता है तो आमिल ऑलरेडी बैठा हुआ होता है। आमिल को इस बच्चे के बारे में ये बता चुका होता है कि भाई ऐसा ऐसा बच्चा आता है, तो आमिल कहता है कि वो बच्चा नहीं है, कोई और चीज है। तो वो कहता है तुम आ जाओ, तो आमिल कहता मैं आ जाऊंगा और उसे बुलाऊंगा मैं खुद ही। तो वो जो रात को 1:30 बजे आता है वो आमिल के किसी अमल करने की वजह से आता है। ओके, अब क्या होता है, जब ये अंदर आ जाता है आमिल को देख के ये सकते में आ जाता है। आमिल से अपने कंट्रोल में करता है, बोलता है बता मसला क्या है, इसके बच्चे हैं। तो पहले तो ये रेजिस्ट करता है, मैं नहीं बताऊंगा, मुझे नहीं पता क्या है, ये है वो है।
बोलता है नहीं बताएगा तो फिर तेरा नुकसान है, बता कहाँ है। बोलता है इसके दो बच्चे मैंने मार दिए। बोला अच्छा। बोला कहाँ मारे? बोला वहां मारे और वहां दफनाए, इसको पता है वो जगह कहाँ है। अब बीवी बैठी है, मुझे क्या पता, मेरे बच्चे मारे इसने, दफनाए इसने, मुझे क्या पता। बोलता नहीं, तुम्हें सब पता है कि कहाँ दफना है, जाओ वहीं से जाके निकालो अपने बच्चे। अब इस बंदे को तो पता होता है कि इसने मार दिया उस लड़की को, वो जहाँ दफनाई ये बच्चे भी वहीं दफनाए। कहता है तू झूठ बोल रहा। बोला मैं सच बोल रहा हूँ। बोला ठीक है, वो तो हम निकाल लेंगे, लेकिन तो तू मार क्यों रहा है? कि लगा जिस लड़की के साथ इसने ज़बरदस्ती करने की कोशिश की, जिस लड़की को इसने मारने की कोशिश की और उसने मार दिया खुद को, वो मेरी दोस्त थी बचपन से। हम साथ खेले हैं, हम साथ बड़े हुए हैं, वो मेरे अलावा किसी और से दोस्ती नहीं करती थी। इसने उस आमिल को बोला कि तुम्हारी वजह से, तुम्हारे काले इल्म की वजह से वो इसकी दोस्त बनी और उसकी जान गई इसकी वजह से। अब मैं इसके पूरे खानदान को खत्म कर दूंगा। ये धमकी देता है तो आमिर इसको बोलता है कि तू ऐसा कुछ नहीं करेगा, क्योंकि जो होना था वो हो गया। बोला ठीक है, तो मैं अगर चाहती हूँ कि कुछ ना करूं तो ये जाके बता दे कि लड़की के साथ क्या हुआ है। अब इसकी बीवी सब सुन रही है बैठी हुई, कह रहा झूठ बोलता है, ये करता है, वो करता है। इसकी बीवी को बोलता है जाओ फलाना फलाना जगह पे जाके कबर कुशाई करवाओ, जमीन खुदवाओ। वो जाके जमीन खुदवाते तो एक लड़की की लाश और इनके दो बच्चों की लाशें ओए होए होए वहां से मिलती है। इसकी बीवी इसको छोड़ के चली जाती है अपने दोनों बच्चे लेके। अब ये घर में अकेला रह जाता है। रात होती है, ये बच्चा आता है इसके पास, कहता है तुमने किस तरह से मारा था उसको? तो कहला मैंने नहीं मारा उसको। कहला उसने अपने आप को किस तरह से मारा था? ये क्या करता है, शराब की बोतल पड़ी होती है, तोड़ता है, बंदा अपनी गर्दन पे रखता है, बोलता है इस तरह से मारा था और अपनी गर्दन काट देता। मतलब एज इट इज, जिस तरह लड़की ने सुसाइड किया उसी तरह उससे उसने मारा। माफ कर दो, बुरे काम का बुरा नतीजा भुगतना तो हमने है, फिर भले हम अपने आप में भुगते हैं या हम अपने बच्चों में भुगते हैं या फिर हम अपने फैमिली में से किसी में भी भुगते हैं, हमने जो गलत काम किया है वो भरना है। वेल, आई होप कि आप लोगों ने हमारी आज की स्टोरी को इन्जॉय किया होगा। लेकिन जाने से पहले एक हमारे व्यूअर ने मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज किया और उन्होंने ये कहा कि हमने जो ये रूम की सेटिंग की है इसको वापस आप चेंज करें, तो ज़रा डॉक्टर साहब के सामने ये सिचुएशन रखते हैं। वो सिचुएशन ये थी कि पहले हमारा स्टूडियो यूँ हुआ करता था, तो हमने यूँ कर दिया टेबल को, तो मुझे किसी ने जस्टिफिकेशन ये दिए कि ये दरवाज़ा है और गुज़र आपने किसी का बंद कर दिया। वेल, हमने किसी का गुज़र बंद नहीं किया। एक तो ये दरवाज़ा खुलता है, ये पीछे बहुत बड़ा पैसेज है, मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ, ये देखें, ये बहुत बड़ा पैसेज है, हम एक कोने में बैठे हैं और ये जो दरवाज़ा है दूसरा, ये जो गली का हमारा दरवाज़ा है, ये वाला इस लाइट के पीछे, वो भी एक रास्ता है, वो आराम से क्लियर है। और दूसरी ये बात, डॉक्टर साहब ने जो बात हम जब डिस्कस कर रहे थे, तो डॉक्टर साहब ने इसकी एक बड़ी अच्छी बात बोली, डॉक्टर साहब खुद बताएंगे। जी डॉक्टर, मैंने ये कहा कि यार इनको दरवाजों की ज़रूरत नहीं होती, ये खिड़कियाँ, दरवाजे, दीवारें, तो ये चीज़ हम ज़रा क्लियर करना चाह रहे थे हमारे व्यूवर्स के साथ। वेल, थैंक यू वेरी मच, आपने अपना कंसर्न दिखाया, वेरी गुड। लेकिन हमने रस्ते ब्लॉक नहीं किए, रस्ते ऑल क्लियर है और सब रस्ता बंद नहीं करते। रास्ता ये बाथरूम वाला भी खुला हुआ है, जो कि खुद ब खुद दरवाज़ा खुल जाता है, ये वाला आपने हमारे बहुत सारे स्टोरियों में देखा भी होगा, ये दरवाज़ा खुद ब खुद खुल जाता है। और साथ में ये जो दरवाज़ा है ये भी बिल्कुल क्लियर है,
हमने रास्ता रोका नहीं। वेल, आप लोगों को हमारा आज की स्टोरी का सेशन कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा, और अभी हमने कुछ स्टोरीज और रिकॉर्ड करनी है। फिलहाल हम आपसे लेंगे इजाज़त। अक्सर लोग ये कहते हैं कि यार अभी तो स्टोरी शुरू हुई थी और ख़त्म हो गई। वेल, मेरे ख्याल से छोटे छोटे लुकमात रोज़ के लिए ठीक है, अगर हम आपको बड़ा डोज देंगे ना फिर आप थक जाएंगे कि यार ये तो बोर सुन सुन के थक गए। हमारे पास सिंधी में कहते हैं कि मेलो मतल छज्जे, मतलब महफिल जो है ना वो मची हुई हो तो अच्छा ही लगता है, उस वक्त आदमी छोड़ दे, बनस्पत ये कि महफिल बोर कर दे उसके बाद आप जाओ। तो हम महफिल को जो है आप लोगों के हवाले करके, अगर आप लोगों के पास अभी भी टाइम है इंजॉय करना चाहते हैं तो हमारी दूसरी स्टोरीज को इंजॉय करें, जो हमारे पास्ट में जो हम स्टोरीज रिकॉर्ड कर चुके पास्ट में वो देखिए, और हमें सपोर्ट कीजिए जितना हो सके, स्टोरीज को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इस चैनल को जो है मैक्सिमम, अगर आप पसंद करें तो मैक्सिमम इस चैनल को सपोर्ट करें। हमारी तरफ से हम लेंगे आप लोगों से यहाँ पर इजाज़त। सिया बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। अस्तग़फिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है।